हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो अभी तक हमने अपने जितने भी लेक्चर बनाए या देखे आप लोग, उसमें हमने इनहेरिटेंस ऑफ द वन जीन कंप्लीट कर लिया और इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन हमने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ ट्रिक्स की बातें करेंगे या हम बातें करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको हमें कैसे सोल्व करने हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं, उनके कुछ तरीके बनेंगे, कुछ फॉर्मूले लिखेंगे जो हमारे आगे ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने में काम आएंगे। जी शुरुआत करते हैं आपके यहाँ पे। सबसे पहले अगर सब्जेक्टिव की बात की जाए तो सब्जेक्टिव में अगर आपको ये डायहाइब्रिडकोस बनाना है, ऐसे ही आपको अगर गैमेट बनाने की बात करनी है, किसी गैमेट बनाने का तरीका क्या है, तो मैं एक बार पहले आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ गैमेट बनाने कैसे होते हैं, ताकि काफी बार देखता हूं मैं बच्चों को गैमेट बनाना ही नहीं आता कि गैमेट कैसे बनते, कम्बिनेशन कैसे बनाए, तो उनको बनाने का तरीका सीखो पहले आप लोग यहाँ पे। जैसे आप लोगों ने कहा हमी किसी एक हाइब्रिड, अब इससे मैंने गैमेट कैसे बनाया, गैमेट को बनाना सीखो बेटा पहले यहाँ पे। आपने क्या किया, सबसे पहले हमने कहा ये वाला जो फैक्टर है वो फॉलो करेगा यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो आपने कहा सर ये टी अलग हो गया और इसके साथ स्मॉल टी अलग हो गया, ठीक है। फिर आपने कहा सर अब ये वाले इंडिपेंडेंट है, चाहे तो ये इसके साथ जाए चाहे ये इसके साथ जाए, वैसे मैंने कहा चाहे तो वो इसके साथ जाए चाहे वो इसके साथ जाए। तो आपने कहा सर एक गैमेट कैसा बन जाएगा, अगर ये कम्बिनेशन बना तो बन जाएगा आपका टीआर, ये वाला बना तो बन जाएगा आपका ये वाला। आपने कहा सर अगर ये कम्बिनेशन बना तो बन जाएगा आपका ये वाला, और अगर ये वाला बन जाए तो आपने कह दिया सर बन जाएगा ये वाला। देखो मैंने इस तरह से गैमेट बनाया यहां पे। ऐसे अगर और अच्छी बात की जाए हम थोड़ा कंडीशन को बढ़ा लेते हैं। हम ये बातें कर रहे हैं अगर आधे पेपर के अंदर ये कंडीशन मैंने उसे हेटरोजाइगस कर दिया फॉर द थ्री पेयर ऑफ द ट्रेट, तीन पेयर ऑफ ट्रेट में हेटरोजाइगस बना दिया। मैं पूछूं आपसे कैसी कैसी गैमेट बनेंगे, आप गैमेट बना के दिखाओ मुझे, तो आपको गैमेट कैसे बनाना है, उस गैमेट के बनाने के तरीके को सीखो। सबसे पहले मैंने कहा इस फैक्टर को कर दो अलग अलग, तो आपने कहा सर ये टी और ये स्मॉल टी हो गया अलग अलग, बिल्कुल यहां पे एक रूल लगा, रूल का नाम क्या है बच्चा यहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आपने कहा सर ये वाला जो फैक्टर है वो इसके साथ ये भी जा सकता है, इसके साथ आपका ये भी जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा सर वही कंडीशन यहां भी लगती है, इसके साथ ये भी जा सकता है, आपका यहां पे ये भी जा सकता है। अब आपने कहा सर ये तीसरा फैक्टर है, ये भी क्या फॉलो करेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो आपने कहा सर यहां कम्बिनेशन में ये भी आ सकता है, आपका ये भी आ सकता है, वैसे मैं कहूंगा यहां भी कम्बिनेशन में ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, यहां कम्बिनेशन में ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, यहां कम्बिनेशन में ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, ऐसे और आगे होता पेयर तो मैं ऐसे उसको फिर कर लेता यहां पर। अब जरा कम्बिनेशन बनाओ, आपने कहा सर यहां तो कम्बिनेशन ये बना तो क्या बन गया आपका टी आर जी, या सर कम्बिनेशन ये बना तो वो क्या बन गया आपका यहां पे टी आर स्मॉल जी, सर या कम्बिनेशन ये बनेगा तो आप कहोगे सर यहां बन जाएगा टी स्मॉल आर जी, सर या कम्बिनेशन ये बनेगा तो आप कह दो सर यहां बन जाएगा टी स्मॉल आर स्मॉल जी। वैसे मैं कहूं यहां पे एक ये कम्बिनेशन बन सकता है, आपने कहा सर ये बन जाएगा स्मॉल टी आर और जी, आपने कहा सर ये वाला कम्बिनेशन भी बन सकता है, तो आपने कहा सर ये बन गया, या फिर मैं कहूंगा ये वाला कम्बिनेशन बन सकता है तो आपने कह दिया सर ये बन गया हमारा, या फिर ये लास्ट वाला बन सकता है तो आपने कहा सर ये वाला बन गया। देखो कितने गैमेट बन गए हमारे यहाँ पे, आठ गैमेट बन गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, बट बनाने का तरीका समझ में आ रहा है मेरे भाई आप लोगों को। आपको करना क्या है, कितने भी यहां फैक्टर दे दो, कितने भी फैक्टर दे दे आपको कहा जाए कि गैमेट बना के दिखा मुझे, तो आपको ये याद रखना है हर पेयर फैक्टर अपने आप को सेपरेट करता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ये हमारा एक लॉ पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मैंने उसे किया फॉलो। फिर मैंने क्या किया, सेकंड लॉ पढ़ाया आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो क्या कहता है कि एक पेयर फैक्टर का अलग होना दूसरे पेयर फैक्टर से बिल्कुल कैसा है यहां पे इंडिपेंडेंट है, तो मतलब इस टी के साथ ये भी जा सकता है आपका ये भी जा सकता है, वैसे मैंने कहा इस टी के साथ ये भी जा सकता है ये भी, तो मैंने उनकी दो संभावनाएं बताई यहां पे। अब मैंने कहा इस आर के साथ और इस कम्युनिटी के साथ में ये भी जा सकता है ये भी, ऐसे इसके साथ ये भी रहे भी, ऐसे मैं कहता अगर मान लो अगर कोई और भी ट्रेड दे रखा है, मान लेता हूं यहां पे और भी होता कि वाई और स्मॉल वाई, तो उनको मैं फिर ऐसे कर करके देखता है यहां पे, तो उससे हमारे गैमेट बनते जाएंगे यहां पे।
तो अगर पेपर में कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि गैमिट बना के दिखाओ हमें, तो आपको गैमिट बना के दिखा देने मेरे भाई यहाँ पे। ऐसा पेपर में आ जाए कोई भी क्रॉस करना है तो सर गैमिट कैसे बनाए हमें यहाँ पे, तो आपको गैमिट बना आना चाहिए। क्योंकि आप लोग ये बात याद रखो, दो रूल हमेशा आपको फॉलो करने। पहला रूल क्या फॉलो करना आपको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा रूल क्या फॉलो करना आपको यहाँ पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दोनों को फॉलो करोगे आपके गैमिट बनना शुरू हो जाएंगे। ये तो था सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए। अगर पेपर में आ जाता है गैमिट बना के दिखाओ, तब गैमिट कैसे बना के दिखाओगे वो आपको आना चाहिए। सही है बात। अब हम ऑब्जेक्टिव वर्ड की बात करते हैं। जैसे आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें अगर आप थर्ड क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो उस थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है उसको जरा वर्ड तो सुनना। एक डिप्लोइड इंडिविजुअल है और वो हेटरोजाइगस है। हेटरोजाइगस है फॉर दी फोर लोकाई। उसमें कितने गैमिट बनेंगे आपको बताना है। क्वेश्चन को समझ के देखो, एक डिप्लोइड इंडिविजुअल है और वो हेटरोजाइगस है फॉर द फोर लोकाई। उसमें गैमिट बना के दिखाओ मुझे। तो मैंने जब टॉपिक को शुरू किया था, पढ़ा था, मैंने एक वर्ड आपको बताया था लोकस। उस लोकस वर्ड को लोकाई समझिएगा यहां पे। आपने कहा था सर हमारे पास होते हैं हमेशा पेयर क्रोमोजोम। सही बात है। आपने कहा सर इस क्रोमोजोम पे लोकेशन है। ये जो लोकेशन है मैं कहूंगा इट इज नोन एज लोकस। The location of a gene on a chromosome is known as its locus. किसी भी क्रोमोजोम पे जीन की जो लोकेशन है वो कहलाती है उसका लोकस। तो मैंने कहा ये उसका लोकस। अब आपने कहा सर ये डिफरेंट इंडिविजुअल है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी पहले, और हमने कहा हेटरोजाइगस है। तो आपने कहा मान लेता हूं यहां पे टी है तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, स्मॉल टी होगा। तो मैंने कहा ये बन गया एक लोकस। सही बात है मेरे भाई। ऐसे में देखा ऐसे वो चार जगह पे कैसा है बेटा, जब यहाँ पे एट द फोर लोकाई वो कैसा है बेटा यहाँ पे आपका हेटरोजाइगस। एक के लिए नहीं, चार लोकाई के लिए वो हेटरोजाइगस है। मतलब मैं कंडीशन अगर लेट अस पॉज करके देखूं तो कुछ ऐसी बातें कर रहा आपके साथ में, कोई इंडिविजुअल ऐसा है हम प्लांट की बात कर लेते हैं, टॉल एंड राउंड, टॉल है, ड्वार्फ है, राउंड एंड रिंकल्ड है, ग्रीन एंड येलो, और आपने कहा ये ग्रीन एंड येलो, येलो एंड ग्रीन, इनके लिए वो हेटरोजाइगस है। हमने पी प्लांट में करेक्टर चूज किए थे बेटा जी, पोड ऑफ द उसकी पोड का कलर कैसा है या सीड का कलर कैसा है, हमने उनकी बातें कर ली, शेप कैसी है या हाइट कैसी है, उनको लेके ले लिया उस हेटरोजाइगस। तो अब जरा वर्ड को समझो, वो हेटरोजाइगस है बेटा चार लोकाई के लिए थी। मैंने डायग्राम बना आपके लिए जीनोटाइप बना दिया, ये सब वो चार ऐसे अलग अलग लोकस है, उन लोकस को कैसा है यहाँ पे हेटरोजाइगस है, उस कंडीशन में कितने गैमिट बनेंगे हमें बना के दिखाओ। अब आप कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें गैमिट बनाना सिखाया, हम वही रूल लगाएंगे यहाँ पे और क्या करेंगे यहाँ पे आपका ऐसे ही शुरू कर देंगे बनाना आपका, कि पहले हम टी को अलग करेंगे, स्मॉल टी को अलग करेंगे, फिर इसके साथ क्या करेंगे आर को अलग करेंगे, स्मॉल आर को अलग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसके साथ में यहाँ पे जी को अलग करेंगे और स्मॉल जी को अलग करेंगे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे आपका वाई को अलग करेंगे और स्मॉल वाई को अलग करेंगे, और फिर हम कहेंगे ये एक कम्बिनेशन है, फिर ये दूसरा कम्बिनेशन है, फिर ऐसे तीसरा, ऐसे बना बना के देखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप यहाँ पे, और वहां पे सिर्फ आपको न्यूमेरिकल डाटा देना है। तो देखो डाटा कैसे दोगे यहाँ पे, इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हम उसकी बातें करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बेटा जी यहाँ पे 2 की पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n। अब इस n वर्ड का मतलब समझना, n वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ हेटरोजाइगस लोकाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको समझना है इस वर्ड को अच्छे से, नंबर ऑफ द हेटरोजाइगस लोकाई। जरा वर्ड को समझो, आप इस एन की वैल्यू रखो यहां पे कितने है बेटा, 4 है, तो मैं कहूंगा 2 की पावर 4, तो आपका आंसर आ गया 60। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था जहां पे हेटरोजाइगस बनाया मैंने 3 के लिए, तो आपने कहा उस कंडीशन में क्या होगा n की पावर 3 होगी, तो मैंने कहा 8 आंसर आ गया, जो आपने काउंट करके देखे थे 8 गैमिट बनते हैं। अब आपने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो आपने कहा उसके केस में n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो गैमिट बनते कितने आपके 4। आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ते हो, आप कहते हो सर उस केस में 2 की पावर 1 है, तो आप कहते हो वहां गैमिट बनते 2। जरा वर्ड को समझ के देखो दोबारा से, मैंने कहा हेटरोजाइगस फॉर ए वन करेक्टर, तो आपने कहा सर 2 की पावर अगर 1 है तो 2 ही तो गैमिट बने थे F1 के अंदर, या तो T या फिर स्मॉल T।
अब सर हिट्रोजाइगस जब हमने पढ़ा, हमने पढ़ा था डायहाइब्रिड क्रॉस, तो वहां पे हमने कहा बेटा जी कि हमने दो हिम जीन के नेटेंस पढ़ रहे हैं यहां पे, तो F1 जनरेशन हिट्रोजाइगस है फॉर द टू पेयर ऑफ द ट्रेट, हमने कहा उस केस में n की वैल्यू 2 हो गई, तो मैं कहूं गैमेट कितने बने, 4 बने। वैसे कहते जाए वो हिट्रोजाइगस लोका ये फॉर द थ्री पेयर ऑफ द ट्रेट, तो आपने कहा सर n की वैल्यू 3 होगी, तो बर्ड के आ गए यहां पे आपका 8 आ जाएगा आंसर, जो आपने बना के देखे थे बेटा जी आपके अभी अभी आपको मैंने कहा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कोई हिट्रोजाइगस फॉर द फोर लोकाई, तो मैं कहूंगा एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे 4 होगी, तो आपने कहा सर 2 की पावर 4 रखिए, आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पे 16, तो आपको बना के देखने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, सीधा फॉर्मूला रखो और आंसर दे दो यहाँ पे, सही है। अब एक और बात को समझते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ आता है उस कंफ्यूजन को समझते हैं। अब काफी बच्चे क्या करते हैं, मैंने एक ऐसा फॉर्मूला लिख दिया, अब मैं आपसे पूछूं इस जीनोटाइप का अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसमें कितने गैमेट बनेंगे, मैंने क्वेश्चन पूछा अगर इस जीनोटाइप का कोई इंडिविजुअल है तो उसमें कितने गैमेट बनेंगे, तो अब आप कहोगे सर आपने अभी बताया नंबर ऑफ द हिट्रोजाइगस लोकाई को पहले काउंट करें, तो काउंट करके देखो इसके लिए वो हिट्रोजाइगस नहीं है वो होमोजाइगस है, तो हिट्रोजाइगस कितने हैं बेटा यहां पे फॉर द थ्री पेयर ऑफ ट्रेट वो हिट्रोजाइगस है, मैं कहूंगा इस कंडीशन में गैमेट बनेंगे बेटा 8। यानी कि आपको मैं दोबारा वर्ड बता रहा हूं, एन वर्ड का मतलब बताया हिट्रोजाइगस लोकाई आपको काउंट करनी है ना कि आपको होमोजाइगस, ये कंडीशन कैसी बेटा जी होमोजाइगस, गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या समझा रहा हूं यहां पे, आपको अगर कोई ऐसा जीनोटाइप दिया हो पेपर में ये पूछा गया हो इसमें कितने गैमेट बनेंगे, तो आपको ये नहीं गिनना कि भाई आप पेयर को गिनने बैठ जाओ उसके एन की वैल्यू रख दो यहां पे, नहीं मेरे भाई आपको ये देखना है हिट्रोजाइगस वो कितनों को लेके, हिट्रोजाइगस वो कितनों को लेके है वो आपको काउंट करना है, उसके हिसाब से आपको यहां की वैल्यू रखनी है। जैसे मैं कहूंगा इस जीनोटाइप के अंदर जो एन की वैल्यू है बेटा वो कितनी है यहां पे आपकी 3 है, एन की वैल्यू कितनी है बेटा यहां पे 3 है, तो मैं कहूंगा आंसर क्या बन जाएगा 2 की पावर 3, तो आपका आंसर क्या आएगा यहां 8। आपने कहा सर अपनी बात यहां ये कह रहे हो ठीक है, चलिए मैं दोबारा वर्ड बोलता हूं, एन वर्ड का मतलब यहां पे हिट्रोजाइगस लोकाई, तो मैं कुछ फॉर्मूले आपको समझा रहा हूं उनको समझिएगा बेटा, मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूं बेटा यहां पे नंबर ऑफ गैमेट, आपको कैलकुलेट करने नंबर ऑफ गैमेट, तो आपने कहा सर इसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर n जो आपने अभी पढ़ा। अब मैं अगला बोलता हूं यहां पे आपका नंबर ऑफ फिनोटाइप, कि फिनोटाइप कितनी प्रोड्यूस होगी, तो फिर वही बात नहीं करते, आपने कहा था सर इन द केस जब हमने सिंगल जीन के इनहेरिटेंस पढ़ा, किसका बेटा सिंगल जीन का, हमने देखा था या तो प्लांट बड़ा है या फिर प्लांट छोटा है, तो दो ही करेक्टर आप कहते हैं टोल या फिर ड्वार्फ, पर जब आपने कहा सर हमने पढ़ा था डायहाइब्रिड क्रॉस, तो वहां पे 4 फिनोटाइप आए थे, रेशियो पढ़ा था आपने 9:3:3:1, वहां पे आपने कहा सर 9 तो कैसे टोल और राउंड है, 3 वहां पे टोल और रिंकल्ड है, 3 वहां पे ड्वार्फ और राउंडर, 1 कैसे वहां पे आपका ड्वार्फ और रिंकल्ड, वहां पे 4 फिनोटाइप आए थे, सही बात है। तो ऐसे मैं कहूंगा इसका फॉर्मूला भी होता है बेटा 2 की पावर n, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है 2 की पावर n, तो ऐसे कह दिया जाए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, मैंने कहा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में मैंने ट्राई वर्ड बोला, तो मतलब n की वैल्यू 3 आ गई, तो सर उस केस में कितने बनेंगे, तो कैलकुलेट करके देखो यहां पे 2 की वैल्यू अगर 3 लगाओगे कितने बनेंगे बेटा यहां पे आपके 8 तरह के फिनोटाइप आएंगे, कितने फिनोटाइप आएंगे यहां पे 8 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप आएंगे, तो मैं एक लाइन बोलूंगा जितने बनेंगे गैमेट के टाइप उतने टाइप के आएंगे बेटा यहां पे आपके फिनोटाइप आएंगे, मैं जीनोटाइप नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा जी आपका यहां पे फिनोटाइप की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा चलिएगा अगले वर्ड पे आते हैं। ऐसे अगर कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 3 की पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 की पावर n, जैसे बातें करके देखते हैं यहां पे, आप यहां कहोगे सर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, तो वहां पे देखो आपने कहा सर ये होमोजाइगस टोल है, ये हिट्रोजाइगस है और ये है आपका होमो रिसेसिव, तो कितने जीनोटाइप है 1, 2 और 1, तो आपने कहा सर यहां रेशियो आया था 1:2:1, तो मतलब 3 अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप थे। वैसे अगर आप डायहाइब्रिड क्रॉस में कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपको दिखाई देंगे 9 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप, कितने बेटा यहां पे 9, इसका फॉर्मूला होता है 3 की पावर n वर्ड का, भाई सेम मतलब है नंबर ऑफ हिट्रोजाइगस लोकाई, सही है बेटा। अगले वर्ड फोर्थ को जाने के लिए यहां पे
इस वर्ड को जरा समझना, नंबर ऑफ द हिटरोजाइगस लोकल। अगर मैं किसी भी इंडिविजुअल का क्रॉसिंग कराता हूं, चाहे वो मोनोहाइब्रिड का, तो मैं कहूंगा वो मोनोहाइब्रिड में कितने ऐसे इंडिविजुअल है जो हाइब्रिड है, या मैं पूछूं एक डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ तो उस डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने इतने इंडिविजुअल पैदा होते हैं जिनका जीनोटाइप बिल्कुल ही हाइब्रिड कंडीशन को शो करता है, मतलब दोनों करेक्टर को लेके हाइब्रिड है, दोनों करेक्टर को लेके क्या हाइब्रिड है। जब वर्ड को समझ कर देखो डायग्राम देखो, यहां मैंने कहा भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ, ये तो हम रिसेसिव, ये क्या रिसेसिव है, ये भी होमोजाइगस है, बट हाइट के लिए ये दोनों इंडिविजुअल कैसे बेटा यहां पे हेटरोजाइगस है। वैसे अगर बातें करूं, मैंने कहा डायहाइब्रिड क्रॉस, तो इस क्रॉस में समझ कर देखो ये वाला जीनोटाइप है तो होमोजाइगस है, इस वाले में वो हाइट को लेके कैसा है बेटा होमोजाइगस है, बट शेप को लेके कैसा है वो हेटरोजाइगस है। तो मैंने कहा इस क्रॉस में 16 जीनोटाइप के अंदर इतने कितने प्लांट होंगे जो हेटरोजाइगस होंगे फॉर ऑल द ट्रेट, फॉर ऑल द पेयर ऑफ द ट्रेट। मैंने कहा यहां मैं टू जीन की बात करूं तो दोनों जीनों के लेके हेटरोजाइगस हाइब्रिड कितने होंगे वो कैलकुलेट करो। तो मैंने यहां मार्क कर रखे इन चारों को देखो, ये भी हेटरोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट, हेटरोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट, हेटरोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट, हेटरोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट। ऐसे यहां पे सिर्फ चार ही प्लांट है जो सिर्फ दोनों करेक्टर को लेके कैसे मिलता हेटरोजाइगस, वरना आपको दिखा देगा वो एक के लिए हेटरोजाइगस हो सकता है बट दोनों के लिए हेटरोजाइगस का नंबर सिर्फ कितना होगा बेटा यहां पे चार होगा। तो ऐसे कैलकुलेट करना आ जाए कि हमें हेटरोजाइगस लोका या हाइब्रिड बताओ कितने प्रोड्यूस होते हैं एक क्रॉस में, तो मैं कहूंगा उसका फॉर्मूला होता है बेटा आपका यहां पे 2 की पावर n, और एन वर्ड का भाई फिर मतलब आता है बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ हेटरोजाइगस लोकाई। तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू हमने इस क्रॉस में रखी 1, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो मैं कहूंगा इसकी वैल्यू कितनी आ गया आंसर 2 आ गया। इसमें एक डायहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 हो गई, तो मैं कहूंगा इस केस में क्या आंसर आ गया आपका 4 आ गया। ठीक बात है, अगले वर्ड में चलते हैं। अगला वर्ड बोला नंबर ऑफ जायगोट फॉर्म, एक क्रॉस में कितने जायगोट बनेंगे। इस वर्ड का मतलब ये है ये जब स्क्वायर बॉक्स बनाते हो ये किस क्रॉस में कितने स्क्वायर बॉक्स बनेंगे ये डिसाइड कैसे होगा। इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 4 की पावर n। जैसे कि आपने कहा सर हमने इनहेरिटेंस प्रोडक्ट 1 जीन का, तो देखो आपके 4 खाने बने। आपने इनहेरिटेंस प्रोडक्ट 2 जीन का, तो आपने कहा सर यहां 16 खाने बने। काम कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब ये जायगोट है बेटा जी। तो मैंने कहा ऐसे कितने बॉक्स बनेंगे, इतने कितने जायगोट बनेंगे, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 4 की पावर n। n वर्ड का वाई से मतलब आता है नंबर ऑफ द हेटरोजाइगस लोकाई, मतलब आपने कहा सर यहां 1 जीन है तो n की वैल्यू 1 आ गया, तो आंसर आ गया 4। आपने कहा सर यहां पे n की वैल्यू 2 है तो आंसर आ गया आपका 16। गेटिंग माय पॉइंट, अगले वर्ड पे आते हैं। अब मैंने कहा नंबर ऑफ द होमोजाइगस फॉर ऑल द लोकल, नंबर ऑफ द होमोजाइगस फॉर ऑल द लोकल ये क्या होगा, इस वर्ड को जरा समझ के देखिए। मैं कह रहा हूं इसमें आप जो क्रॉस करते हो तो कितने होमोजाइगस है फॉर ऑल द लोकल। आपने सर कहा मैंने 1 जीन की पढ़ा, तो मैं कहूंगा 1 जीन को लेके कितने होमोलोगस, तो आप कहोगे सर ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। सही बात है, ये 2 क्या होमोजाइगस है। वैसे अगर इस बॉक्स में देखूं तो मैं कहूंगी ये वाला होमोजाइगस है और ये वाला भी होमोजाइगस, और बाकी सब देखो कोई भी होमोजाइगस नहीं है, किसी ने किसी ट्रेट को लेके क्या है बेटा वो आपका हेटरोजाइगस। तो मैंने यहां वर्ड लिखा जितने भी आप लोकाय यहां कंसीडर कर रहे हो इनहेरिटेंस में उन हर एक लोकाय को लेके कितने यहां पे होमोजाइगस, तो आपका इसका फॉर्मूला होगा बेटा जी 1 + 4 की पावर n प्लस में 1 + 4 की पावर n। अब इस वर्ड को समझ कर देखो इसका क्या मतलब है। सर हमने यहां 4 की पावर n का मतलब था कि कितने जायगोट बनते हैं, तो मैंने कहा ये इंडिकेट करेगा बेटा यहां पे होमोजाइगस डोमिनेंट, और बेटा ये बताएगा यहां पे आपको होमोजाइगस रिसेसिव के बारे में, और इनका नंबर हमेशा कितना होता है 1-1 होता है। जायगोट चाहे कितने बन जाए, चाहे आपने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करके देखो जहां जायगोट 16 बनेंगे, बट याद रखना एक ही होगा जो डोमिनेंट होगा फॉर ऑल द ट्रेट और एक ही होगा जो रिसेसिव होगा फॉर ऑल द ट्रेट, उनका नंबर हमेशा कितना होगा कांस्टेंट होगा। मैं कहूंगा इसका आंसर हो जाता है बेटा आपका यहां पे 2 की पावर 4 अपॉन n।
मतलब कहा जाए आपसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने होमोजाइगस होंगे, तो आप कहोगे सर दो होंगे। मैं कह दूं यहां पे डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितने होमोजाइगस होंगे, आप कहोगे सर दो ही होंगे। मैंने कहा ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में कितने होमोजाइगस होंगे फॉर ऑल द लोकाई, तो आप कहोगे सर दो ही होंगे। मैंने क्वेश्चन चेंज किया, हाउ मेनी इंडिविजुअल आर होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ एट ऑल द लोकाई इन द ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में जो हर एक लोकाई के लिए होमोजाइगस इतने कितने इंडिविजुअल होंगे, तो आप कहोगे सर उसका नंबर एक ही होगा। और मैं कहूं कितने रिसेसिव होंगे, तो आप कहोगे सर उसका नंबर कितना होगा, एक ही होगा। और मैं कहूंगा कितने यहां पे होमोजाइगस है, मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया, तो आप कहोगे सर इनको मिला के बोल दो, तो आंसर क्या होगा आपका, टू होगा। ये नंबर हमेशा कैसा रहेगा, यहां फिक्स रहने वाला है। तो ये छोटे छोटे कुछ बातों को समझना, इनके बेस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनको जरा सोल्व करेंगे हमारे लिए बातें यहाँ पे, जरा सुन के देखना। पहले मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ द गैमेट, वो उसका फॉर्मूला क्या है, टू की पावर एन। ऐसे में बोला नंबर ऑफ द फिनोटाइप, उसका फॉर्मूला क्या है, टू की पावर एन। और आपने कहा नंबर ऑफ जीनोटाइप, आपने कहा थ्री की पावर। आपने कहा नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस फॉर ऑल द लोकाई, आपने कहा वो क्या है, टू की पावर एन है। आपने कहा नंबर ऑफ द हेटेरोजाइगोट फॉर्म, तो आपने कहा उसका फॉर्मूला फोर की पावर है। और उस जाइगोट में कितने होमोजाइगस होंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। अच्छा यहाँ पे आपका ये कुछ हो गया। अब मैं आपको बता दूं, ये सब बातें लागू होती है मेंडल के केस में। जब हम मेंडल की बातें करते हैं, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करता हूं, डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करता हूं, जब मैं बातें करता हूं कंप्लीट डोमिनेंस की, जब मैं बातें करता हूं पेयर फैक्टर की, जब मैं बातें करता हूं बेटा जी आपके यहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, जब मैं बातें करता हूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। बट आपको मैंने एक फॉर्मूला और भी दिया था, इन द केस ऑफ मल्टीपल अलील, इन द केस ऑफ द मल्टीपल अलील नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या होगा। मैंने उसका फॉर्मूला आपको लास्ट लेक्चर में दे चुका हूं, पहले वाले लेक्चर में, एंड एन प्लस वन अपॉन टू, ये भी जीनोटाइप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, बट ओनली इन द केस ऑफ द मल्टीपल अलील है, और ये है नॉर्मल कंडीशन की बात है। तो आप इसके साथ कंफ्यूज मत होना कि सर आपने पहले तो ये फॉर्मूला दिया था, मैंने ये फॉर्मूला दिया था इन द केस ऑफ द मल्टीपल अलील में, और आज ये फॉर्मूला आपको दे रहा हूं इन द नॉर्मल कंडीशन, जहां मेंडल के द्वारा से बातें की जाएगी, तो वहां पे क्या क्या चीजें फॉलो होंगी हम उनकी बातें करने बैठा। हो गई बातें यहां पे। अब चलिए कुछ और तरीके आपको समझाता हूं। अभी मैंने आपको मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस करके दिखा दिया। अब कोई आपसे पेपर में कह दे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का क्या रेशियो होगा। मैंने कहा ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो ये रेशियो कैलकुलेट करना भी आपके लिए आसान होगा। उसको जरा समझ के देखो कैसे कैलकुलेट करना है, समझिएगा। आपको हमेशा याद रखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, बेटा आपको हमेशा याद रखना है कौन सी क्रॉस को, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। उसका फॉर्मूला क्या कहता है उसको जरा समझ के देखो। आपने कहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो, आपने कहा बेटा वो होता है 3:1। सही आपने कहा सर, ये यहां पे टॉल है और ये यहां पे राउंड है, सही बात है। अब आपको इस रेशियो के व्यापी में कहूंगा सारे रेशियो फॉलो होते हैं, जब मेंडल की बातें होंगे उस टाइम पे चाहे आप कितना भी क्रॉस कर लो ये रेशियो हमेशा फॉलो होगा। जरा समझ के देखते हैं कैसे मैं इस वर्ड को बोल रहा हूं। आपने यहां पे रेशियो पढ़ा बेटा 9:3:3:1, आपने कहा सर ये टॉल और राउंड है, ये टॉल और रिंकल्ड है, ये ड्वार्फ और राउंड है, और ये ड्वार्फ और रिंकल्ड है। ये मैं दो करेक्टर की बात कर रहा हूं, इसमें भी मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ढूंढ के देखता हूं, जब ढूंढिएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कितने टॉल और कितने ड्वार्फ है। तो आपने कहा सर ये 12 जो है ये तो टॉल है और ये 4 जो है वो ड्वार्फ है, तो मैंने कहा रेशियो क्या आ गया, आपने कहा सर 3:1 का आ गया, सही तो बात है। मैं पूछूं कितने राउंड है और कितने रिंकल्ड है, मैं सिर्फ एक करेक्टर की बात करता हूं, इस डायहाइब्रिड क्रॉस में ढूंढ के बता मुझे राउंड और रिंकल्ड, तो आप कहोगे सर ये राउंड है तो आपने कहा सर रेशियो हो गया 12, और आपने कहा सर ये रिंकल्ड है तो रेशियो क्या हो गया इनका 4, तो आपने कहा फिर दोबारा रेशियो क्या हो गया 3:1 का। मतलब हर जगह फॉलो हो रहा है, कौन सा रेशियो भी कभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, अगर मेंडल की बातें करते हैं तो सही बात है। इसी रेशियो की व्यापक जरा आप जिसके देखो, मैं आप यहां कह दूं आपको डाइहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो, तो आप कहोगे सर हम कैसे कैलकुलेट करें इसे, ये तो आपको याद रह जाता है, छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग इन बातों को, तो पर उसको कैलकुलेट करने का तरीका समझो। यहां पे मैं कहूंगा 3:1 को मल्टीप्लाई कर दो 3:1 से, रेशियो निकल जाएगा। जैसे आपने कहा सर 3:3:9, 3:1:3, यही तो आता है रेशियो,
सही है। अब कोई आपसे कह दे इसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का हमें फिनोटिपिक रेशियो दे दो, तो आपको डायब्रिड क्रॉस का पता है, बिल्कुल पता है, इसी को भैया जी मल्टीप्लाई कर देना एक और मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। भाई आपने सर ये डायब्रिड क्रॉस का तुम्हें पता है, हम इसको मल्टीप्लाई कर मोनो से, तो कितने हो गए डाई और मोनो को जोड़ा कितना हो गया ट्राई हो गया, करो मल्टीप्लाई। अभी आप फिनोटाइप गिन के देखो तो फिनोटाइप का रेशियो कैसा आ गया, ये आ गया इसमें देखो एक फिनोटाइप, दो फिनोटाइप, तीन फिनोटाइप, चार फिनोटाइप, पांच फिनोटाइप, छह फिनोटाइप, सात फिनोटाइप, आठ फिनोटाइप आ गए यहां पे। अभी थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला होता है बेटा 2n, और अगर ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है इसका मतलब यहां एन की वैल्यू कितनी है बेटा तीन ही तो है, तो आपने कहा सर इसका मतलब यहां फिनोटाइप आने भी कितने चाहिए थे, आठ ही आने चाहिए थे, तो आंसर आपका एक बार फिर प्रूव हो जाता है। आपने कहा आपने अभी फॉर्मूला लिखे थे नंबर ऑफ फिनोटाइप कैलकुलेट करने का, वहां पे आपने फॉर्मूला लिखा था बेटा 2n, मैंने कहा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें कितने फिनोटाइप आने चाहिए बेटा जी आपके, आठ आने चाहिए, मैंने लाके दिखा दिया आपको आठ फिनोटाइप, कैसे आया रेशियो भी ना, मैंने कहा मैंने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को मल्टीप्लाई कर दिया किससे यहां पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, तो मैं कहूंगा चाहे मेरा रेशियो किसी भी पेपर में कोई भी रेशियो आ जाए कि मुझे पेंटा हाइब्रिड का रेशियो बताओ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पेंटा का कितना भी ग्रॉल हमसे हम सब कैलकुलेट करके निकाल देंगे। मैंने आपको ट्राई तक बताया ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, टेट्रा का क्या रेशियो होगा, पेंटा का क्या रेशियो होगा, हेक्सा का क्या होगा, हेप्टा का क्या होगा, कितने का निकालो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यहाँ पे तरीका याद रखना मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को मल्टीप्लाई करते जाओ, यहां पे मल्टीप्लाई किया आगे डायहाइब्रिड का, डायहाइब्रिड वाले को कर दो फिर मोनो से आ जाएगा ट्राई हाइब्रिड का, टेट्रा का निकालना था ट्राई हाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर दो मोनो वाले से फिर आ जाएगा टेट्रा का, गेटिंग माय पॉइंट, इस तरह से रेशियो आपका आगे बढ़ता रहेगा। चलिएगा ऐसे ही क्वेश्चन चेंज हो जाए यहां पे आ जाए कि हमें यहां रेशियो निकालना है जीनोटिपिक रेशियो, तो आपको सर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या था, तो मैं कहूंगा बेटा उसका रेशियो था 1:2:1 याद है आप लोगों को, अब पूछा जाए हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बता, तो वही सेम काम करना है आपको, क्या करना है बेटा यहां पे इसी रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करना है, निकालो जरा 1:2:1 2:4:2 1:2:1 देखो जरा इस 1 को मल्टीप्लाई किया सेम आ गया, इस 2 को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 4 आ गया 2 आ गया, इस 1 को मल्टीप्लाई किया ये रेशियो आ गया, देखो कितने जीनोटाइप बने 3, 3, 6, 3, 9 अभी आपने फॉर्मूला लिखा तो था इसे जीनोटाइप का फॉर्मूला होता है 3n और यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस होता है इनकी वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई, तो आंसर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, 9 ही जीनोटाइप बने। इसमें प्रूफ करना चाहते हो अपने घर बैठो और इसको अच्छे से एक बार बेटा जी यहाँ पे कैलकुलेट करके देखो यहाँ कि कितने कितना कौन है यहाँ पे, इस रिजल्ट के साथ मैच करके देखना रिजल्ट आपका मैच हो जाएगा इसके साथ, ये आपका होमवर्क है आज का कि आप इस जीनोटाइप रेशियो को इस रेशियो में ढूंढ के देखोगे कि देखो यहाँ पे ये वाले दिखाई दे रहा आपको यहाँ पे यस सर 80 है, आपको ये दिखाई दे रहा हाइब्रिड वाले कितने यहाँ पे 4 ही यहाँ पे, मिला मिला के देखना रेशियो मैच करेगा आपका, समझ में आई बातें यहाँ पे, यानी कि मैंने इस लेक्चर में आपको क्या क्या बताया उस बात को दोबारा समझना, मैंने इस लेक्चर में बातें की है कुछ ट्रिक्स के साथ यहाँ पे, कुछ फॉर्मूले की बातें की मैंने यहाँ पे कि पेपर में हमारे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे इस क्रॉस में यहाँ पे, या नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, कितने यहाँ पे होमोजाइगस होंगे, कितने हेटेरोजाइगस होंगे, कितने यहाँ पे जायगोट बनेंगे, ये हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो हम उनको कैसे विद इन द सेकंड सॉल्व कर सकते हैं अगर हम फॉर्मूले को सबको याद रखें। ऐसे कह दे जाए मोनोहाइब्रिड का डायहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो क्या क्या होंगे, हम उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने वो आपको बताया, ऐसे चाहिए आपसे कितने भी लंबे रेशियो पूछे आप उसे कैलकुलेट कैसे करोगे वो तरीके मैंने आपको समझाया। मैंने सबसे पहले आपको ये समझाया कि गैमेट जो मैंने बनाई गैमेट बनाए कैसे मैंने यहाँ पे, वो गैमेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रूल फॉलो किया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मैंने फॉलो किया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन दो रूल को फॉलो करके आप गैमेट बनाना सीख जाओगे और ये हर बात आपको याद रखनी है, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी इन द असाइनमेंट सॉल्विंग। तो अब हम मिलेंगे एक असाइनमेंट के साथ, मैं आपको दूंगा असाइनमेंट यहाँ पे मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव पेपर में और ऑब्जेक्टिव में, तो कल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे असाइनमेंट सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे वो आपको सोल्व करना है यहाँ पे, कल मैं आपको क्वेश्चन की बातें करूंगा आपके साथ। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना, यहाँ पे एक बार अच्छे से पीछे वाले सारे लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करो अपना यहाँ पे और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द असाइनमेंट। ओके थैंक यू।